पब्लिक टीवी आपकी आवाज। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में पिछले 24 दिनों से मुरादाबाद के अधिवक्ता हड़ताल पर हैं। अधिवक्ता रजिस्ट्री ऑफिस को शिफ्ट करने से नाराज हैं, जिसके बाद जिले भर के अधिवक्ता रजिस्ट्री ऑफिस को वापस लाने की जिद पर अड़े हुए हैं, लेकिन जिला प्रशासन इस ओर अपना ध्यान केंद्रित करने को तैयार नहीं है। जिला प्रशासन और अधिवक्ताओं की लड़ाई में सरकार को हर दिन लाखों रुपए के राजस्व की हानि उठानी पड़ रही है। दरअसल मुरादाबाद में बने रजिस्ट्री ऑफिस जिला प्रशासन के द्वारा कलेक्ट्रेट से 17 किलोमीटर की दूरी पर ले जाकर स्थापित कर दिया गया, जिसकी वजह से अधिवक्ता नाराज हो गए हैं और उन्होंने रजिस्ट्री ऑफिस को वापस लाने की जिला प्रशासन से मांग की। जिला प्रशासन के द्वारा अभी तक रजिस्ट्री ऑफिस को वापस नहीं लाया गया, जिसकी लड़ाई अधिवक्ता लगातार लड़ रहे हैं। अधिवक्ताओं को लगभग 24 दिन पूरे हो चुके हैं और रजिस्ट्री ऑफिस वापस न आने तक सभी अधिवक्ता ये लड़ाई जारी रखने की बात कह रहे हैं। आज भी सभी अधिवक्ता जुलूस की शक्ल में कमिश्नर ऑफिस पहुंचे और कमिश्नर से मुलाकात कर मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन भेजा, जिसमें मांग की गई है कि रजिस्ट्री ऑफिस वापस लाया जाए। इस दौरान पुलिस प्रशासन द्वारा सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए प्रदर्शन स्थल को छावनी में तब्दील कर दिया गया और भारी पुलिस बल तैनात किया गया। पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था के बीच वकीलों को कोई ज्यादा हंगामा नहीं करने दिया गया। रजिस्ट्री ऑफिस के शिफ्टिंग के लिए हम यहाँ आए थे, क्योंकि यह हमारे यहाँ कचहरी के हेड हैं, कमिश्नरी के बॉस हैं, तो इसलिए अपनी रिक्वेस्ट जो नियम से पूरी नहीं हो पाई या नीचे अधिकारियों से नहीं हो पाई, उसकी हम अपील करने के लिए आए हैं और हमने ज्ञापन दिया है आपके माध्यम से मुख्यमंत्री की, और कमिश्नर साहब ने हमसे आश्वासन दिया है कि हम पूर्ण रूप से आपके हित में सोचेंगे और आपके समाधान। लगभग कितने दिन से ये आंदोलन लगातार? करीब 17 फरवरी चल रहा है, लगातार 24 दिन हो गया जी। अब कब तक उम्मीद है कि कोई उम्मीद नहीं, अगर हमारे जल्दी आज ही कर देंगे ये अजय जी ने उनसे कह दिया है कि जब तक रजिस्ट्री ऑफिस कचहरी परिसर में नहीं आएगा तब तक जो है वर्क नहीं हो पाएगा। कोई हंगामा नहीं चल रहा है, बेसिकली इनका रजिस्ट्री ऑफिस शिफ्ट करने का प्रकरण चल रहा है, जिसको जिलाधिकारी महोदय ने और डिस्ट्रिक्ट जज साहब ने तय किया है कि रामगढ़ विहार में जो नगर उनका है विकास प्राधिकरण का ऑफिस, उसमें शिफ्ट करने की बात है। तो इस संबंध में इनकी बातचीत चल रही है, बहुत सारे एडवोकेट्स इसमें सहमत भी हैं कि वहाँ शिफ्ट किया जाए, तो ये इनका प्रकरण है। इस संबंध में उनकी अभी मीटिंग चल रही है, उसके बाद हो सकता है वो कमिश्नर सर को ज्ञापन दें, तो उस संबंध में हमारे फोर्स और मजिस्ट्रेसी सब लोग हम लोग ड्यूटी पे हैं। इसमें हम लोगों ने 4 सर्किल अफसर लगाए हैं, मैं हूँ, SPRA साहब हैं, ADM साहब हैं, चीफ मजिस्ट्रेट साहब हैं और 10 इंस्पेक्टर ऐसे लगाए हुए हैं, बाकी PAC लगी है कंपनी और थानों से फोर्स है लगभग 200 के आसपास कांस्टेबल और SI है। नहीं, छावनी क्या, ये तो हमारी सुरक्षा की ड्यूटी लगी हुई है, तो जितना हम हमारे पास उपलब्ध फोर्स है उसे हमने लगाया है सुरक्षा की दृष्टि से, कोर्ट परिसर के, कलेक्ट्रेट परिसर की और सार्वजनिक प्रतिष्ठानों की सेफ्टी के लिए फोर्स लगाया हुआ है। आज मंडल मुखिया को हमने ज्ञापन दिया प्रतिनिधिमंडल के माध्यम से, पूर्व अध्यक्ष, पूर्व सेक्रेटरी, करीब 11 जनों की कमेटी हमारा कमिश्नर साहब पे गए थे और उन्होंने पूर्ण आश्वासन दिया कि इसमें प्रशासन को बुलाकर इस मसले को जल्दी सॉल्व कराएंगे। हमने साफ लफ्जों में ये बात कही कि जब तक हमारा मसला सॉल्व नहीं होगा तब तक हम कार्य से व्रत रहेंगे। कब तक माने, क्या उम्मीदें लग रही हैं? उम्मीद पुलिस से पहले निपटने की उम्मीद। जिस तरह से लगातार काम रुका हुआ है, वकीलों का विरोध जारी है, क्या कहें, नुकसान नहीं हो रहा राजस्व का? निश्चित रूप से नुकसान हो रहा है, लेकिन लड़ाई लड़ते वक्त ये नुकसान को नज़रअंदाज करना पड़ता है। प्रशासन की लापरवाही, ये प्रशासन की अड़ियल रवैया है, उनको पहले ही इस बात को समझ लेना चाहिए था, जिससे जनता का नुकसान नहीं। अब लगातार काम अभी जारी रहेगा, मतलब अभी तो कार्य से व्यस्त रहेंगे, लेकिन जैसे ही सॉल्यूशन निपटेगा वैसे हम कार्य पे आ जाएंगे। क्या मानते हैं वकील साहब, हड़ताल रहेगी फिर? अभी हड़ताल रहेगी, लगभग जब तक हमारी मांग पूरी नहीं।